मुंबई से जयपुर जा रहे जेट एयरवेज के विमान में सवार 30 यात्रियों के नान कान से गिरने लगा खून। जेट एयरवेज के विमान में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गुरुवार सुबह मुंबई से जयपुर जा रही फ्लाइट में 30 यात्रियों के नाक और कान से खून निकलने लगा। असल में क्रू मेंबर केबिन प्रेशर में एंटर करने वाले स्विच को दबाना भूल ही गए थे, जिसके चलते विमान के ऊंचाई पर पहुंचने से लोग हवा की कमी महसूस करने लगे। देखते ही देखते कुछ लोगों के नाक और कान की ब्लीडिंग होने लगी, जबकि तमाम लोग ऐसे थे जिन्हें सिर दर्द होने लगा। विमान में कुल 166 यात्री सवार थे। मामला सामने आने पर विमान को तुरंत वापस मुंबई एयरपोर्ट उतारा गया। पीड़ित यात्रियों का मुंबई एयरपोर्ट पर इलाज किया जा रहा है। इस मामले उड्डयन महानिदेशालय ने बताया कि घटना के सामने आने के बाद क्रू मेंबर्स को ड्यूटी से हटा दिया गया है और मामले की जांच का आदेश दिया गया है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो मामले की जांच कर रही है। परेशान है, हमको जाना है तो हमको उड़ा रहे नहीं है, काफी टाइम बस डिले पे डिले करते जा रहे, बता रहे कुछ भी नहीं, सुबह से बैठे अभी तक कुछ सब भी नहीं किए हम लोग, सब पैसेंजर ऐसे बैठे हैं। जयपुर की फ्लाइट से, तो भी आपका क्या अनुभव है, आपका क्या हुआ फ्लाइट के अंदर, क्या हुआ? जब अचानक मास्क नीचे आए और व्यवस्था इतनी खराब थी कि उन्होंने बताया भी नहीं मास्क नीचे प्रॉब्लम में है। तो हाँ सर, आप भी इसी फ्लाइट में जा रहे हैं? मैं इसी फ्लाइट में हूँ और पीयूष गोयल जी को मैं ये बताना चाहता हूँ, जो जेट एयरवेज के चेयरपर्सन है, कि इसकी स्थिति लोकल ट्रेन से भी खराब है बॉम्बे की। कोई अटेंशन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई अपडेशन नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी सपोर्ट सिस्टम पूरी फ्लाइट में लैंड करने के पहले भी नहीं था और लैंड करने के बाद में भी नहीं था। डॉक्टर तक अपेरेंट में नहीं थे, लोग नहीं पहचान पा रहे थे डॉक्टर कौन है, जो सीवियर पेन से परेशान है और दुखी है उसको भी नहीं मालूम पड़ रहा डॉक्टर कौन अवेलेबल। डॉक्टर भी अपेरेंट में नहीं था, वो पैकिंग बनाने आए, वैसे डॉक्टर थे वहाँ पे, अटेंडेंट कोई नहीं था, पानी तक किसी ने पूछा नहीं और लोग जो परेशान थे वो बहुत दुखी थे। पीयूष गोयल जी को बोलना चाहता हूँ, आज से हम लोग जेट एयरवेज को डिस्कार्ड करेंगे और सभी को इन्फॉर्म करेंगे कि इस फ्लाइट पर ट्रेवल ना करें। थैंक यू। देना चाहेंगे? हाँ ले लो, आप ले। हम लोग बॉम्बे जब जयपुर सफर कर रहे थे, अचानक धुआं वगैरह का मार्ग नीचे आ गया, हमको मालूम नहीं पड़ा कैसा क्या हुआ करके। इधर कोई व्यवस्था नहीं, हम डायबिटीज पेशेंट नहीं, ना नाश्ता है कुछ है, कोई पूछता नहीं, ना कोई डॉक्टर है। जेट एयरवेज का इतना खराब, जेट एयरवेज का इतना खराब ही है जी, तो इसके वास्ते गवर्नमेंट से ध्यान देके जेट एयरवेज